हाय स्टूडेंट, अभी हम देखने जा रहे हैं कि हमें ओरिगामी का कुछ आर्टिकल्स तैयार करना है। पेडू यानी फ्रॉक, कंदील मीन्स लैंटर्न, फुगा मीन्स बलून, और इसका मटेरियल है सिर्फ कार्ड पेपर और गम। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये जो पेपर है, ये प्रिंटेड पेपर है। इस प्रिंटेड पेपर से हम पहले तैयार करने वाले हैं एक फ्रॉक। अभी इस पेपर को हमने इस शेप में कटिंग किया हुआ है। अभी इसमें कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, देखो ऐसा पेपर रहेगा ना, तो इसका नीचे वाला हिस्सा जो है इसे हम थोड़ा कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद अभी ये वाला पेपर जो है इसे हमने किस तरह से फोल्ड किया है, पहले हमें इसे बीच में से फोल्डिंग करनी है। ये हो गई इसकी बीच में से फोल्डिंग, तो ये हो गए हमारे दो स्क्वायर। दो स्क्वायर में ये पहला वाला स्क्वायर यहाँ पे आता है, ये दूसरा वाला स्क्वायर यहाँ पे आता है। इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ये वाला साइड जो है यहाँ तक फोल्ड करने वाले है, और ये वाला साइड जो है ये भी अपन यहाँ तक फोल्ड करने वाले है। पहले अच्छे से फोल्ड करके प्रेस करके लेना है, और उसके बाद में हमें ये वाला साइड जो है इसे भी इस तरह से यहाँ तक फोल्ड करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड करना है। जैसे कि अभी मैंने ये यहाँ तक फोल्ड कर दिया है, उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पे फोल्ड करेंगे, और ये वाला साइड जो है यहाँ पे फोल्ड करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें स्टार्टिंग से अलग अलग टाइप की फोल्डिंग करनी है। तो देखो अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक फोल्ड कर दिया, ओके। फिर दूसरी बाजू हमने यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दिया, और यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दिया। अभी हम इसे खोलेंगे। खोलने के बाद ये जो स्क्वायर आता है, इस स्क्वायर को इस तरह से बीच में से दबाने वाले है। दबाने के बाद ये वाला साइड ऐसा ट्रायंगल टाइप हो जाता है। उसी तरह से हम ये वाला साइड भी इसे भी ऐसे अंदर दबा के यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल टाइप करके लेने वाले हैं। अभी ये वाला बाजू जो है ये प्लेन है, और ये वाली साइड जो है ये इस तरह से ऐसी खुली हुई है। तो हमें क्या करना है, देखो ये वाला पार्ट यहाँ तक फोल्ड करना है, और ये वाला पार्ट यहाँ तक फोल्ड करना है। ऐसे ही ये साइड भी हम यहाँ तक फोल्ड करेंगे, और ये साइड भी हम यहाँ तक फोल्ड करेंगे। तो ये हुआ हमारा आगे वाला फोल्डिंग। अभी वापस ये बाजू हम यहाँ फोल्ड कर रहे हैं, और ये साइड यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं। उसी टाइप से ये वाली साइड भी हम यहाँ फोल्ड करेंगे, और ये साइड भी हम यहाँ फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा ये इस तरह से फोल्डिंग हुआ है। अभी ये पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा किस तरह से आता है, देखो ये हम ये बाजू को ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे, और ये वाली साइड भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये ऊपर जो ट्रायंगल है इसे अंदर लेंगे। अभी ये इस तरह से हमारा बन जाएगा फ्रॉक। इसे कहते हैं ओरिगामी फ्रॉक। अभी इस फ्रॉक को आपको चाहिए तो रेडीमेड आंखें मिलती है, वो आंखें आप यहाँ पे लगा सकते हो इसे यहाँ पे, या तो ब्लैक पेन से भी इसे आंखें निकाल सकते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है इसे हम गम लगा के या फेविकॉल लगा के अगर स्टिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये फ्रॉक जंपिंग करता है। ऐसे ऐसे करके ये आगे जाएगा।